अमिताभ बच्चन स्टारर फिल्म झुंड फंसी लीगल ट्रबल में। एक फिल्म मेकर ने लगाया झुंड के मेकर्स पर कॉपीराइट वायलेशन का आरोप। हैदराबाद बेस्ड फिल्म मेकर नंदी चिन्नी कुमार हैज सेंट लीगल नोटिसेस टू मेकर्स ऑफ अपकमिंग हिंदी फिल्म झुंड एंड एक्टर अमिताभ बच्चन हु इज प्लेइंग द लीड रोल इन द फिल्म फॉर कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट। नंदी चिन्नी का कहना है कि उन्होंने 2017 में एक शॉर्ट फिल्म के लिए एक्सक्लूसिव राइट्स खरीदे थे फॉर दिस फिल्म्स कंटेंट। लेकिन अब झुंड के मेकर्स ने बिना उनकी परमिशन के इस फिल्म पर काम शुरू कर दिया है। नंदी चिन्नी का ये भी कहना है कि उन्हें धमकी दी जा रही है और उन्होंने ये मन बना लिया है कि वो इस फिल्म को ना तो थिएटर्स, टीवी और ना ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने देंगे। अमिताभ बच्चन पिछले साल से ही इस फिल्म पर काम कर रहे हैं और ये फिल्म एक सॉकर प्लेयर की कहानी है जो स्लम में रहता है। अकॉर्डिंग टू नंदी चिन्नी, नागराज मंजुले क्लेम टू हैव बॉट द राइट्स फ्रॉम अखिलेश पॉल फॉर ₹4 लाख बट वॉज रिलक्टेंट टू शो द डॉक्यूमेंट्स। Even Akhilesh denied selling him the rights. Nagraj humiliated me and forced me to come for settlement without showing papers. Well, ये फिल्म बड़ी लीगल ट्रबल में फंसती दिख रही है। अब देखना होगा मेकर्स इस सीरियस एलिगेशन का किस तरह जवाब देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। Watch E-Town News Monday to Friday at 9:30 p.m. only on Zoom.